नमस्कार, मैं प्रतिभा आप सबका स्वागत करती हूँ हंगर्स कॉर्नर में। आज मैं आपके लिए सर्दियों की खास सब्जी लेकर आई हूँ, जिसे मैंने पत्ता गोभी, आलू और मटर के साथ बनाया है। बनाने में तो बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत लाजवाब है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और प्लीज शेयर भी कीजिए। तो चलिए रेसिपी शुरू करें। तो चलिए अब हम सब्जी को छौंक देते हैं। तो मैंने गैस पर रख लिया कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे हम सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल। तो ये एक बड़ा चम्मच मैंने तेल डाल दिया है। तेल हो गया है गर्म, तो इसमें हम एक चौथाई चम्मच हींग डाल देंगे। हींग की मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ अच्छे फ्लेवर की है तो इससे कम डाल दीजिए। और आधा चम्मच हम जीरा डाल देंगे। जीरा जब चटक जाए तो साथ में हम डालेंगे लहसुन। तो ये लहसुन मैंने 10-12 कलियां ले ली हैं और चॉप कर लिया है। साथ में ही एक प्याज डाल देंगे, बड़ी प्याज लीजिएगा और फिर चला दीजिए। अब ये देखिए प्याज और लहसुन आपके गुलाबी हो चुके हैं और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम एक चम्मच नमक डाल देंगे और डालेंगे एक चौथाई चम्मच गरम मसाला और एक चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच ही हम लाल मिर्च डाल देंगे और सभी मसालों को हम मिला देंगे और डाल देंगे थोड़ा सा पानी। अब मसाले में हम एक चम्मच ग्रेट करी हुई अदरक डाल देंगे, आप काट के भी डाल सकते हैं। और मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है और साथ में अब डालेंगे ये पत्ता गोभी और साथ में आलू डाल देंगे, जितने आपको आलू लेने हैं। जैसे मैंने 5-6 आलू ले लिए हैं और आलू थोड़ा मैंने मोटा मोटा काटा है और मिला देते हैं एक बार। ये सीजन का नया आलू है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। हमारे आगरे में तो ये मिलता है, सब जगह मिलता है कि नहीं मिलता है आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और साथ में हम डाल देंगे मटर। तो आप मटर हरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो ताजी आती है, मैंने पर ये सफल वाली मटर ली है। तो इससे क्या होगा, ये बहुत स्वादिष्ट लगेगी सब्जी। तो मटर करीब मैंने 100 ग्राम ली है, आधा किलो गोभी ली है और 4-5 आलू ले लिए हैं और सबको हमने मिला दिया है। अब हम इसमें एक चौथाई चम्मच हल्दी डाल देंगे। हल्दी में डालना भूल गई थी तो अभी ऐड कर दिए मैंने, आप चाहे तो मसाले में भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने अच्छे से हल्दी को भी मिला दिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे पानी। ये करीब मैंने 1/4 कप पानी डाला है और अब हम लिड से कवर कर देंगे और धीमी आंच पर कुक होने देंगे। चलिए एक बार सब्जी चला देते हैं और देख लेते हैं कि आलू कितना गल चुका है। तो इस तरीके से हम तोड़ रहे हैं तो थोड़ा टाइट टूट रहा है यानी आधा गला है। तो इसी समय हम इसमें टमाटर डाल देंगे। तो मैं 2 टमाटर डाल रही हूँ और टमाटर मैंने चॉप कर लिए थे। अब हम इसे सब्जी से कवर कर देंगे जिससे कि टमाटर अच्छे से गल जाए और फिर सब्जी को हम कवर करके रख देंगे, ठीक है। और फिर 5 मिनट बाद चला के देखेंगे। तो चलिए 5 मिनट हो गए हैं, सब्जी चेक कर लेते हैं। और इस तरीके से चला देते हैं, टमाटरों को भी ऊपर निकाल लेते हैं जिससे कि ये अच्छे से पूरी सब्जी में मिक्स हो जाएंगे। 2 मिनट हम इसे ढक के और कुक करेंगे जिससे कि ये सारे मसाले और टमाटर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब हम इसे एक बार और ढक के रख देते हैं सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट में हमारे आलू अच्छे से गल जाएंगे क्योंकि नया आलू गलने में थोड़ा सा टाइम लेता है। चलिए 2 मिनट हो गई है और एक बार चला देते हैं। अब ये देखिए टमाटर पूरा अच्छी तरह से गल चुका है
और आलू भी हम चेक करें तो बिल्कुल इशारे से टूट रहा है, मतलब हल्का सा हमने करछली छुलाई है और आलू आराम से टूट गया है। और अब हम गैस की फ्लेम को तो कर देंगे ऑफ और डाल देंगे इसमें मेरा फेवरेट हरा धनिया। तो हरे धनिया के बिना तो सब्जी अधूरी है। चलिए, हरा धनिया डालने के बाद भी एक बार चला दीजिए, या नहीं चलानी है तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से ढक के भी रख सकते हैं। तो ये सर्दियों में बहुत ही मजेदार लगती है, आप इसे बाजरे की रोटी, पराठे, किसी के साथ भी खाइए। और सबसे अच्छी बात इस सब्जी की ये होती है कि सब्जी अगर बच जाए तो आटे में मार के आप पराठे भी बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।